हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप रियलमी का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का, तो उसे कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो इस चैनल पर आए हैं तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप अपना जो कि कॉल रिकॉर्डिंग अगर हो जा रहा है तो उसे डिसेबल कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड मजाक में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं और वही कॉल रिकॉर्डिंग आप पे भारी पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप ये फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं रियलमी के फ़ोन में, और कैसे करेंगे आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। सिंपली डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद आपको यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बट आपको यहाँ पर जाना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, रिजेक्ट कॉल, विद SMS, आंसर, ऑटो आंसर, बट नहीं, आपको इन सब पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है कॉल रिकॉर्डिंग पे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑन होगा इनमें से कोई सा भी, तो इसे ऑफ कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग डिसेबल हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग को डिसेबल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट भी सेट होगा, तो आप लिमिट, आप यहाँ पे नॉन लिमिट पे क्लिक कर दे और यहाँ पे बैक कर दे। यहाँ पे भी देख ले कोई आपका लगा तो नहीं है, तो यहाँ भी एग्जिट करके कैंसिल कर दे। तो इस तरीके से आप अपना जो कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी छोटी सी वीडियो थी ताकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसका भी इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।